वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। टारगेट रेलवे एसएससी एग्जाम का जो मैं मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ उसका, उसमें आज हम प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो मैथ क्लास 11 का है। उससे पहले मैं 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट इन वैल्यू ऑफ, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर 7 की पावर अगर 35 है, इसका मतलब क्या है? तो 35 जो है, 35 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 35 जो भी होगा पावर में उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब 7 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 3 की पावर 71 है, तो क्या करेंगे, 3 की पावर 71 करेंगे। 71 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 3, यानी कि 3 एलसीएम कितना आएगा, पावर 3 आएगा। तो 3 का पावर भी 3 आएगा, क्योंकि 4 से जाएगा तो 4 का 4 बचा 3 1 3, यानी 7 4 8, 3 रिमाइंडर आएगा। इसका भी रिमाइंडर जितना आएगा उसको पावर में कर देंगे। 1 का पावर कितना भी हो तो 1 ही आएगा। तो 7 की पावर 3 है, यानी कि 7 × 7 × 7, तो 3 बार 7 करेंगे, 7 749 और 7 7 9 63, यानी कि 3 आएगा लास्ट। यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरह अगर 3 × 3 3 9 27, यानी कि यूनिट डिजिट 3 की पावर 3 होगा तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, और इसका 1 का कितना भी पावर हो तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो 7 21 मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट इसमें क्या आ रहा, 1। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले जितना पावर है लास्ट में लेंगे, जैसे 7 हो गया 3 हो गया 1 हो गया, उसको जितना भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से लिख देंगे। अगर मान लीजिए रिमाइंडर अगर 0 आया तब हम 7 की पावर, अगर रिमाइंडर 0 आता तो 7 की पावर 4 लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल है, ठीक है। फैक्टोरियल मतलब क्या, अगर 1 फैक्टोरियल है इसका मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब कितना, 2 × 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, उसी तरह 4 फैक्टोरियल होगा, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, जितना फैक्टोरियल वहाँ से 1 तक चला जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 ×1। इसका मतलब क्या, जब भी 5 फैक्टोरियल में तो 10 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट इसमें 0 आ रहा है, तो हम इसके बाद जितना भी आएगा सब में 0 आएगा, लेकिन 4 तक जो होगा उसमें 0 नहीं आएगा। तो 1 का अगर यूनिट डिजिट 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का 6 होगा, और 4 फैक्टोरियल का 3 × 12 = 24, यानी कि 4 यूनिट डिजिट 4 होगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 13, यानी कि यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, जब भी फैक्टोरियल होगा तो 5 फैक्टोरियल के बाद जितना भी नंबर आएगा सब यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो लास्ट में उसका यूनिट डिजिट भी 0 हो जाएगा, सबका समेशन। लेकिन अगर 4 फैक्टोरियल तक करें उसमें 0 नहीं आता है। देखिए 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल का 1 हो रहा है, 2 फैक्टोरियल का 2 हो रहा है, 3 फैक्टोरियल का डिजिट 6 हो रहा है, 4 फैक्टोरियल का डिजिट 4 हो रहा है, सबको सम करेंगे 13 हो रहा है, तो यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल। तो देखिए 60 फैक्टोरियल, जब भी कोई नंबर होगा, अगर 2 की पावर 5 है, अगर 5 की पावर 4 है, तो इसमें जब 2 और 5 जो मिनिमम होगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा, क्योंकि 2 × 5 = 10 होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना हो जाएगा, अगर 5 है तो 5 की पावर जिसका पावर कम होगा उतना 0 होगा, यानी कि 10 की पावर 4, इतना नंबर ऑफ जीरो होगा। तो देखिए अगर 60 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो इसमें क्या करता है, अगर इसमें नंबर ऑफ एंड 0 पूछना है तो मिनिमम, तो हमको क्या करना है, 2 की पावर तो बहुत सारा होगा, लेकिन 5 की पावर हमको मिनिमम निकालना है। तो जब भी हमको 60 फैक्टोरियल का फाइंड द नंबर ऑफ 0 पूछेगा तो 60 को हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, तो 12 हो गया। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, उसके बाद तो नहीं आ सकता, तो इसका नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 12 + 2,
इक्वल टू 14, क्योंकि 2 तो 5 से अब डिविजल नहीं होगा, इसका मतलब वो जीरो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो जब भी पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो किसी का फैक्टोरियल हो तो उसको 5 से डिवाइड करो, और जितना बार जब तक 5 से डिविजल होगा तब तक उसको डिविजल करो, जितना रिमाइंडर आ रहा है सबका, जितना भी डिविजन आ रहा है, जितना भी डिविडेंट आ रहा है मतलब जिससे डिवाइड करने वाले हो, अगर 12 को 7 को 5 से डिवाइड करें तो 12 आ रहा है, 12 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 2 आ रहा है, तो दोनों का सम हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे 90 को तोड़ेंगे, तो 90 को कितना करेंगे 2 की पावर क्यूब, सॉरी 90 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 5 90, तो 18 यानी कि 5 के पावर 1 और 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। तो जब भी हमको टोटल फैक्टर निकालना है, जब भी हमको टोटल फैक्टर निकालना होगा तो टोटल फैक्टर जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, जब भी हमको टोटल फैक्टर निकालना होगा तो जितना पावर है पावर उसका प्लस 1 करके इंटू करते जाओ, 2 की पावर 1 प्लस इंटू 1 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 12 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। अभी अगर हमको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, हमको इवन फैक्टर निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है, तो इवन फैक्टर निकालना है तो जो इवन है उसको एज इट इज रख दो, उसके बाद जो ऑड का पावर है उसको हम प्लस 1 कर देंगे, 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। 6 क्या है, इवन फैक्टर, क्या ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं, तो ऑड फैक्टर क्या होगा टोटल माइनस, यानी कि 12 में 6 गया तो 6। तो पूछा क्या कि 90 के गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो टोटल फैक्टर जो होगा नंबर ऑफ फैक्टर तो हमारा 12 हो गया, टोटल फैक्टर 12 हो गया लेकिन इवन फैक्टर 6, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले जो भी फैक्टर दिया हुआ नंबर उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर निकालने के बाद उसको फैक्टर जब भी निकालेंगे, जब भी टोटल फैक्टर बोलेगा जितना उसका पावर है, जितना भी उसका पावर है सब का प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 1 प्लस 2, तो इसको इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा। इवन फैक्टर बोलेगा तो हमको इवन का देखेंगे, इवन का एजिटिज जितना पावर है उतना एजिटिज देंगे, और ऑड का जितना पावर है सबको प्लस 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ऑड पूछेगा तो इवन माइनस ऑड कर देंगे, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड, एंड में कितना जीरो होगा। देखिए तो 5 है तो 5 को क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 1 हो गया, 5 इंटू 2 हो गया, 5 इंटू 3 हो गया, उसी तरह कर करके 5 इंटू 50 चला जाएगा। तो क्या करेंगे 5 को जो पावर 50 हो गया कॉमन ले लेते, क्योंकि सब में आ रहा, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 कर करके 50 तक चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 50 फैक्टोरियल में मिनिमम क्या आना चाहिए, या तो 5 मेरा मैक्सिमम आ रहा है, जिस तरह हम 60 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड किए, तो हमको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो मिनिमम नंबर 5 की पावर कितना चाहिए वही मिलता है, लेकिन अगर हम 50 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 50 को 2 से डिवाइड पता करेंगे तो हमको पता चल जाएगा 2 की पावर कितना है। ठीक है, वही हमको निकालने के लिए हमको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो गया एक, तो फिर 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, टोटल इतना हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा 7 10, यानी कि 47। इसका मतलब क्या, 2 की पावर 47 जो होगा इसमें होगा, तो 5 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 47, इसका मतलब क्या है, जो मिनिमम पावर होगा उसी का नंबर ऑफ जीरो होगा, तो 47 हो रहा है, यानी कि 47 जो होगा वो नंबर ऑफ जीरो होगा एट द एंड। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो जब भी निकालना है तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना रुपीज अ प्रॉफिट ऑफ 9.5% इज मेड, टू लॉस 6% एट व्हाट प्राइस आर्टिकल शुड सेल। एक व्यापारी एक वस्तु को अति 3504 रुपये में बेचता है तो उसे 9% का लाभ होता है। ठीक है, 9.5%, तो 9.5% का लाभ होता है, जिसको हम परसेंटेज में करेंगे तो कन्वर्ट, तो 95/1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है इसका, तो इसमें क्या होगा 100 हो गया, इसका मतलब क्या 100 हो गया, या
अब सीपी कितना है, सीपी आपका कितना हो जा रहा है, ठीक है। अब 1000 हो गया, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और यह हो जाएगा 200, यानी कि सीपी जो हो गया आपका 200 हो गया। एसपी कितना हो गया 219, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि उसको 6% का लॉस हो रहा है, 6% का लॉस हो रहा है, तो 6% का लॉस हो रहा है यानी कितना हो जाएगा 6/100, ठीक है। तो 100 उसका सीपी हो गया, और एसपी कितना हो गया 6% का लॉस हो रहा है यानी कि 94 हो गया। फिर बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस में दोनों का सेलिंग एंड आर्टिकल सेलिंग कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर करना होगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, इसको कॉस्ट प्राइस बराबर करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि इसको सेलिंग कर रहे इतना रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस को बराबर कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, तो 200, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 200 इधर हो गया, इधर हो गया 188, ठीक है। तो फिर बोला कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल को वो कितना में बेचता है, तो पहले बेचता था 219 रुपये में बेच रहा, और टोटल सेलिंग प्राइस का डिफरेंस था, और टोटल इसका दोनों का डिफरेंस करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस ही होगा ना, सेलिंग प्राइस क्या होगा, डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, डिफरेंस जो होगा वो 20 कितना हो जाएगा, इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 219, और 219 जो दिया वो सेलिंग प्राइस दिया है। अब प्रॉफिट ऑफ 9.5% इज मेड टू लॉस, देखिए एक व्यापारी एक वस्तु को यदि इतना रुपये में बेचता है तो उसे इतना परसेंट का लाभ होता है, इतना परसेंट का लाभ होता है, यानी मतलब क्या 219 का जो है वो सेलिंग प्राइस का रेशियो हो गया 300 इतना, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा कितना 16, ठीक है, 16 रेशियो बराबर हो गया, क्योंकि जब सेल कर रहा है, फिर बोल रहा है कि अगर वो 6% में लॉस हो रहा है तो उसका कितना में सेल करेगा ताकि उसको 6% का लॉस होगा, ठीक है। तो 1/16 मतलब इतना में बेचेगा, यानी कि 16 गुना इतना करेंगे तो 8 8 है, 8 6 48, यानी कि यूनिट डिजिट 8 हो गया, इसका मतलब यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन 8 है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3008 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए सबसे पहले क्या करना है कि अगर से प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 9.5% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 19/200, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अगर 200 है तो सेलिंग प्राइस 219 हो गया, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर लॉस हो रहा है 6% का, तो मान लीजिए 100 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा है, तो 6 रुपये में तो ये लॉस हो रहा है, यानी कि 94 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस को दोनों को बराबर करें, क्यों करें, अब देखिए अब बोल रहा है कि इतना में सेल कर रहा है, इसका मतलब सेल कर रहा था जब उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है सेल करेंगे, 219 बराबर इतना हो गया, तो 1 रेशियो बराबर इतना हो गया। अब क्या करना है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस को बराबर कर देते हैं, ठीक है। जब कॉस्ट प्राइस को बराबर कर देंगे तो सेलिंग प्राइस का जो इतना है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जब, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो दोनों के लिए सेम ही है, उसी से रेशियो लेना है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों को बराबर कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस अब कितना में बेचेगा ताकि उसको, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम हो जाए तभी ना प्रॉफिट और लॉस होगा, तो सेम कर देंगे कॉस्ट प्राइस को, 188 हो रहा है, और 1 रेशियो बराबर 16 हो गया, तो 188 गुना 16 3008 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उतना में उस चीज़ को अगर बेचेगा तो उसको 6% का लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। टू व्हीकल मतलब वाहनों में से प्रत्येक को इतना रुपए में बेचा गया, यदि एक वाहन को इतना प्रतिशत लाभ और दूसरे वाहन को इतना प्रतिशत हानि में बेचा गया, तो कुल लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, 28 जो है 28.57% को क्या लिख सकते हैं, हम 2/14 लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 9 हो जाएगा। अब वही चीज़ अगर 14.285 लिखा हुआ, इसका मतलब 1/7, ठीक है, 1/7 यानी कि 7 अगर कॉस्ट प्राइस है, लॉस हो रहा है यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। और टू व्हीकल सोल्ड इतना मतलब सेलिंग प्राइस आपको बराबर करना है, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, तो इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, तो 14 हो गया, 21 हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, दोनों को सम करेंगे तो कितना 35 हो गया, 18 18 कितना हुआ 36, इधर भी 18 इधर भी 18 तो 36, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अनदर एट अ लॉस ऑफ, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट लॉस क्या होगा, तो क्या ना हो 1/35, 1% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/35 तो 1/35 किसका हो गया, यानी कि 1/35 को हम क्या ले सकते हैं, 1/5 गुना 1/7, तो 1/5 को क्या ले सकते हैं 20%, और 1/7 को क्या ले सकते हैं, 1/7 को हम पहले ही 1/7 को हम ये ले सकते हैं, तो 1/7 लिखेंगे तो 20% या 2/7 यानी कि ये होना चाहिए, और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन आपका
2.85, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था कि अगर किसी भी आर्टिकल को अगर हम बेचते हैं, सेलिंग प्राइस अगर सेम दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट दिया है, तो इसका जो 28.57 होता है वो 2/7 होता है, तो कॉस्ट प्राइस 7 हो गया, सेलिंग प्राइस 9 हो गया। उसी तरह जो दूसरा दिया है 14.285 दिया है, इसका मतलब 1/7 होता है, तो 1/7 जब होता है तो उसका अगर 1/7 है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, यानी कि 7 से 6 हो जाएगा। तो क्या करना है, हमको दोनों को सेलिंग प्राइस सेम दिया, तो सेलिंग प्राइस पर बराबर करेंगे, जिससे कॉस्ट प्राइस आएगा टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस, इसमें नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ 35 से 36 किया, मतलब 1% का 1/15 का इसका प्रॉफिट हुआ। तो 1/35 जो होता है 1/5 × 1/7, तो 1/5 यानी कि 20 होता है, 20% डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपका ऑप्शन जो होता है 2/7, और इधर से 100 करेंगे तो 2.85% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक विक्रेता एक्स प्रतिशत लाभ पर वस्तु बेचता है, यदि वो वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य 1/3 पर बेचता है तो उसे 40% का नुकसान होता है, तो एक्स का मान बताइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है मान लीजिए 100 है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100+ x हो जाएगा, ठीक है, 100+ x हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि यदि वह वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 में बेचता है तो उसे 60%, इसका 1/3 कर दो, 100+ x का 1/3 कर दो सेलिंग प्राइस का, तो 40% का नुकसान होता है, यानी कि 40% का नुकसान होने, 7% का हो, 60% में सेल करता हो तभी तो 40% का नुकसान हो रहा है। अगर मान लो 100 रुपये में खरीदता है कोई चीज़ को और 40 रुपये का लॉस होता है, यानी मतलब वो 60 रुपये में बेचता होगा, तो 100+ x = 180%, यानी कि x = 80%, x क्या हो जाएगा 80%। तो पूछा क्या है कि x का मान बताइए, तो x क्या होगा 80%, यानी कि ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज 7:3 इफ द सेकेंड आर्टिकल इज सोल्ड ऑन 10% प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट ही। देखिए कोई आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, दो आर्टिकल है, ठीक है, तो दूसरा आर्टिकल जो है उसमें क्या हो रहा है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10% मतलब 1/10, ठीक है, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया, क्योंकि प्रॉफिट हुआ, तो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब क्या हो रहा, टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट 16%, यानी 16% यानी क्या, मान लीजिए अगर 100 होगा तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल 3:2 है, तो 3 पहले 1:2 था, तो 3 करेंगे, अब इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 30 कर देंगे, इसको 33 कर देंगे, क्योंकि 7:3 रेशियो, ठीक है। अब इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना हो गया 70 हो गया, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 83, ठीक है, 83, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा 83 सेलिंग प्राइस। तो फिर पूछा कि फाइंड द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, तो फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 13/70, तो 13/70 × 100 तो कितना हो गया 18.57 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18.75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी देखना है, आप देखिए 70 हो गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 10 आ रहा है वैसे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, तो इसको 3 से गुना कर दिए, इसको भी 7 से गुना कर दिए, 70 या 30 है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ शॉपकीपर हैज 30 आइटम टू सेल, वांट टू सेल ईच आइटम एट ₹40 टू अर्न सम प्रॉफिट, बट एवरी ₹4 इंक्रीमेंट इन सेलिंग ऑफ वन आइटम ही लेफ्ट विथ वन अनसोल्ड आइटम, फाइंड एट व्हाट सेलिंग प्राइस ही वुड बी एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, एक दुकानदार के पास बेचने के लिए 30 आइटम है और कुछ लाभ कमाने के लिए वो 40 रुपये में बेचता है, ठीक है, 40 रुपये में बेचता है, ठीक है, लेकिन एक वस्तु की बिक्री में 4 रुपया बढ़ दी होती है, ठीक है, तो मान लीजिए कि एक बिक्री 44 रुपया हो जा रहा है तो उसका आइटम भी घट जा रहा है, ठीक है, एक वस्तु बिना बिके रह जाती है,
मान लीजिए अगर एक 4 रुपया बढ़ रहा है तो एक वस्तु बेचा नहीं रहा, उसी तरह अगर मान लो 44 रुपया था तब 48 रुपया कर देंगे तो कितना बेचा, 2 को नहीं बेचाएगा ना, 28 को बेचाएगा, ठीक है। तो वह अपने लाभ की अधिकतम करने की सक्षम होगा, क्या सक्षम होगा, तो मान लीजिए देखिए अगर रुपया 4 चार बढ़ रहा है यानी कि कितना, आप इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो कैसे बनेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि 40 है, 40 प्लस 4x, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 44 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो 48 हो जाएगा। अब क्या है कि आइटम का वस्तु जो है वो एक्स घटते जा रहा है, देखिए अगर हम एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो 29 हो जाएगा, यहाँ पर 44 मतलब ये आ रहा है, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा, मतलब ये इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए अब मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 इधर आ गया, ठीक है, 1200 माइनस 40x प्लस 120x माइनस 4x2, ठीक है, 4x2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 4x2, ठीक है, माइनस 4x2 माइनस, अभी इसको इधर ले आइएगा तो कितना होगा, 40 और 20 यानी कि 80 हो जाएगा, 80x माइनस इतना 1200, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब मैक्सिमाइज करना है, तो आपने पहले पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में जब भी किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं फिर 0 से इक्वेट कर देते हैं, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एट एक्स माइनस 80 इक्वल टू 0, उसको डिफ्रेंशिएट करके x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा, तो x इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा। तो पूछा क्या है कि ही वुड बी एबल फाइंड एट व्हाट सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या है, यही वाला तो है सेलिंग प्राइस, यही वाला सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस यही है, तो इसको क्या करेंगे, x की जगह 10 पुट कर देंगे यानी कि 40 प्लस 40 80, तो 80 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को कैसे यूज करना, देखिए अगर मान लीजिए कोई वस्तु 30 गो वस्तु है, 30 गो वस्तु को खरीद रहा है, वो 40 रुपये दे रहा है एक का, तो उसी तरह का मान लीजिए हर वस्तु अगर एक एक वस्तु का दाम 4 रुपये बढ़ते जा रहा है तो उसको एक आइटम नहीं बिक रहा, अगर 4 रुपये बढ़ाते जा रहा है तो 2 आइटम नहीं बिक रहा, उसी तरह कंटिन्यू चलते जा रहा है, तो इसका मतलब इससे इक्वेशन क्या बनेगा, 40 प्लस 40x, तो एक अगर 30 मान सके वस्तु हो गया, तो इससे क्या हुआ, एक्स का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं इसका मतलब क्या, 29 आ रहा, इधर भी बढ़ रहा है 44, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो 28 हो जा रहा है, इधर 48 हो जा रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कीजिए और एक्स का वैल्यू निकालिए, फिर एक्स का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो 80 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और अगर अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएँ ताकि वहाँ पर आपको PDF का लिंक और क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट हो तो आप क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी रिलेटेड से तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।